2016 के बोर्ड पेपर में ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आया था जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था, तो वो मैं आज करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि ये प्रूव करना था कि ये क्वांटिटी x प्लस वाई प्लस जेड से डिविजिबल है, और हमें ये भी बताना था कि अगर इसको हम x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट क्या होगा। तो ये मैंने इंजीनियरिंग तरीके से कर लिया है जो कि CBSE में इतना एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब CBSE तरीके से कैसे करते हैं देखते हैं। अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं तो अगर हम C1 को टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा सारे में। तो अगर वही चीज़ हम अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा हर जगह में ये आ जाएगा C1 में। तो C1 में आप ये कॉमन लेंगे तो C1 बन जाएगा 111। अब इन दोनों को 0 0 बनाना है तो ये होगा R2 गोज टू R2 माइनस R1 और R3 गोज टू R3 माइनस R1। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब इसको वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बनाएंगे ऐसे, इसको ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को बनाएंगे वाई प्लस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये ऐसे जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, ऐसे ये दोनों भी बन जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में से अगर y माइनस जेड कॉमन लेते हैं जैसे कि यहाँ पे किया गया है, तो इन दोनों में से अगर y माइनस जेड कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। ऐसे ही बाकी जो तीन एलिमेंट्स है वो इसी फॉर्म में आ जाएंगे। अब फर्स्ट रो से और सेकंड रो से दोनों से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचेगा। ठीक है, अब इसको इवैल्यूएट कर देंगे। तो अगर इसको इवैल्यूएट करते हैं हम तो ये बन जाएगा, मतलब जो ये था ऐसे एक फैक्टर्स आ जाएगा तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिटरमिनेंट बन गया हमारा ये। तो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी x प्लस वाई प्लस जेड से डिविजिबल होगा। अब अगर इसको हम x प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड करते हैं तो जो कोशेंट बनेगा यही होगा, मतलब यहाँ से एक x प्लस वाई प्लस जेड का पावर कम हो जाएगा और ये बन जाएगा इतना।